संक्रांति के शुभकामना शुरू करते हैं। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं भोपालवासी और मध्य प्रदेश वासियों को। और एक मांग मैंने मुख्यमंत्री मनोहर यादव जी से की थी कि 22 जनवरी जब रामलला विराजित होने जा रहे हैं अयोध्या में, तब मध्य प्रदेश में भी ड्राई डे रखा जाए, क्योंकि लोग इस समय राम भक्ति में लीन है। कहीं सुंदरकांड हो रहे हैं, कहीं भगवान राम के कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में होना चाहिए। उन लोग मुख्यमंत्री जी ने मान लिया, इसलिए मोहन यादव जी मुख्यमंत्री का मैं आभार मानता हूँ। साथ ही ये निवेदन है उनसे कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी जाना चाहेंगे तो उनकी ऑप्शनल छुट्टी या जो भी हो सकता है उन कर्मचारियों के लिए वो स्वीकृत करें। और मध्य प्रदेश के जिन लोगों ने 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये या जितना भी चंदा राम मंदिर बनने के लिए दिया है, उनको भी आमंत्रण मिले, ये चंपत राय जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और साथ ही मध्य प्रदेश के सभी मंदिरों के पुजारी और संत जो हैं उनके जाने की भी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी करें, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर दर्शन कर सकें। ये आग्रह मुख्यमंत्री जी से है। ठीक है, सदन का मुद्दा, जबकि कांग्रेस ने पूरा खाका तैयार किया था। देखिए, कांग्रेस की सरकार जाने के बाद 3-4 साल हो गए, लेकिन राम वन गमन पथ पर कोई बात बीजेपी की सरकार ने नहीं की। जब कमलनाथ जी की सरकार थी और मैं धर्मस्थ मंत्री था, तो करोड़ों रुपए हमने स्वीकृत किए थे इसके लिए। और राम वन गमन पथ पूरा जब होगा, जब सीता जी का मंदिर श्रीलंका में बने, जहां उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी और भगवान राम वहां से सीता जी को अयोध्या लाए थे। इस संदर्भ में मैं जब मंत्री था और ACS मनोज श्रीवास्तव जी थे, तो हम लोग श्रीलंका भी गए, जगह चिन्हित की, वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री से मिले और जगह फाइनल उस समय वहाँ हो गई थी। पहले विरोध होता था, विरोध भी सब समाप्त हो गया। मेरा निवेदन है कि सरकार का नुमाइंदा वहाँ जाए, देखे और राम वन गमन पथ का काम भी शुरू हो और वहाँ सीता जी का मंदिर बने और लोग एहसास कर सकें राम वन पथ पर चलकर भगवान राम को महसूस कर सकेंगे। जब वो राम वन गमन पथ बन जाएगा, उस पर लोग जा सकेंगे। ऐसा नहीं लगता लोकसभा चुनाव को लेकर निश्चित तौर पर ये ताबड़तोड़ जो अब मैं समझता हूँ कि एक आध महीने के अंदर आचार संहिता लगने वाली है, कोई काम अभी होगा नहीं, लेकिन ये एक चुनावी स्लोगन आज की तारीख में लगता है। लेकिन ये काम अगर शुरू होता है तो मैं समझता हूँ, और ये राम वन गमन पथ पूरा होता है, तो ये मान के चलिए कि ये मध्य प्रदेश के और देश के इतिहास में एक बड़ी चीज होगी। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।